Ding ta na 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 de de no. Dan ding ta na 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 de de na. Ding ta na 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 de de no. Dan ding ta na 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 de de na. Didi tum, didi tum, didi tum, didi tum. Ladies and gentlemen, on the day two of this wonderful event, we have amongst us eminent dignitaries on the dais. We begin this evening's melodious cultural journey by lighting of the traditional lamp and offering flowers to the Lord Nataraja. May I call upon Dr. Shri M.A. Chansarkarji, ex-Vice Chancellor, Nagpur University, and Chairman, School Management Committee, Bharti Vidya Bhavan, Nagpur Kendra, to light the traditional lamp. I request Principal Ma'am and other dignitaries to accompany Sir for the Deep Prajwalans ceremony. The audience may kindly note that this spectacular event which we are about to witness was inaugurated at the hands of Shri Pankaj Sande, Vice Chancellor, Kavi Kulguru, Kalidas Sanskrit University, Ramtek, yesterday, that is the 20th of October. As the ambience of the starlit sky and the serene atmosphere plays magic in our hearts, time unfolds another glorious event in the success story of Bhavans Bhagwandas Purohit Vidya Mandir, Civil Lines, Nagpur. Dreams are often seen by people, remembered over the morning cup of tea, and forgotten the next day. But for people with creative and aesthetic blend of mind, dreams often turn to reality because they are earnestly pursued. And this holds true for our respected principal, Srimati Bina Gokhale, who is in herself a seasoned scholar and a fine sculptor of human nature and character. It was our principal ma'am's dream to stage a mega drama through the open air theater to pay tribute to the rich cultural heritage of India. With this objective in mind, ma'am conceptualized the Meghdootam as a gift
of the strong and firm past to the bonsai generation next of today and tomorrow. And without wasting much time, I hand over the mic to my colleague, Mrs. Renu Pandey, to carry us forward with the Meghdootam. सम्राट कालिदास का नाम पद्य साहित्य के उस शिखर पर विद्यमान है जहाँ से श्रृंगार रस की उन्नत धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। समृद्ध भारतीय साहित्य रूपी गगन में इनकी रचनाएं सूर्य चंद्र की भांति सतत जगत को प्रकाशवान करती आ रही हैं। एक किंवदंती के अनुसार उच्च कोटिक महाकवि और प्रतिभाशाली नाटककार कालिदास प्रारंभ में निर्बुद्ध थे, जिनका विवाह सुसंस्कारी एवं कला प्रवीणा राजकन्या से करवाया गया। विवाहोपरांत सच्चाई का ज्ञान होते ही उसने उन्हें अपने अयोग्य कह उनका अपमान किया। अपमानित कालिदास देवी काली की उपासना कर उनसे वरदान स्वरूप कवित्व शक्ति की प्रतिभा प्राप्त की। विद्वता हासिल कर गृह लौटने के पश्चात पत्नी द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्न के शब्द से एक एक काव्य की रचना कर उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा और विद्वता का प्रमाण दिया। उनकी वास्तविक रचनाओं में मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभियान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम आदि दुर्लभ एवं अद्वितीय रचनाएं हैं। भवंस भगवान दास पुरोहित विद्या मंदिर सिविल लाइन्स के विद्यार्थियों ने आज कवि कालिदास के उस ऐतिहासिक काव्य मेघदूतम को नित्य संगीत नाटिका के रूप में प्रस्तुत करने का दुस्साहस किया है, जिसके अथाह सौंदर्य की गहराई और जिसके मूलभूत उद्देश्य का मंचन सहज नहीं, क्योंकि नैसर्गिक सौंदर्य का रसास्वादन स्थल मंच नहीं अपितु प्रकृति प्रांगण है। काव्य मेघदूतम में तात्कालीन भौगोलिक स्थिति का अतीव सुंदर वर्णन है, जिसमें काव्य नायक यक्ष का संदेशवाहक मेघ प्रत्येक नगरी, प्रांत, नदियां, अरण्य की जानकारियों से युक्त है। एक कवि की विद्वता, उसकी काव्य प्रतिभा एवं आकलन क्षमता इतनी तीक्ष्ण तथा उत्तम है कि काव्य में वर्णित प्रत्येक प्रसंग स्वतः सजीव हो उठता है। नैसर्गिक ऋतुचक्र संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का आधार सदियों से रहा है। जिस प्रकार प्रकृति अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करती, ठीक इसी प्रकार मानव जाति को अपने स्वाभाविक गुणों और पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यही मूलभूत शिक्षा इस रचना द्वारा प्राप्त है। विद्यालय स्तर पर मेघदूतम के प्रस्तुतीकरण का मुख्य उद्देश्य यही है कि वर्तमान में संगणक द्वारा स्वीकृत संस्कृत जैसी प्राचीनतम देवानी के प्रति विद्यार्थियों की रुचि निरंतर बढ़े। प्रस्तुत नृत्य संगीत नाटिका द्वारा विद्यार्थियों को नृत्य, नाट्य, अभिनय, संगीत, साहित्य, लय, चित्रकला, शिल्पकला जैसी विभिन्न ललित कलाओं का भी ज्ञान होगा। अतः अब विलंब असंभव है। आइए हम आपको लिए चलते हैं मेघदूतम की नृत्य संगीत नाटिका के प्रथम दृश्य की ओर। Oh,
देवराज इंद्र के कोषाध्यक्ष विश्वश्रवा पुत्र कुबेर प्रतिदिन शिवलिंग पूजन किया करते थे। उस पूजन अर्चन हेतु अपने स्वामी भक्त यक्ष को प्रतिदिन हिमालय स्थित मानसरोवर से कमल पुष्प संग्रहित करने की जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी। निर्विघ्न यक्ष वैसा ही किया करते थे, परंतु एक दिन प्रातःकालीन आलस्य और पत्नी प्रेम के सानिध्य से वशीभूत हो उन्होंने संध्याकाल ही कमल पुष्प एकत्रित कर रख दिए। अगले दिन की शिवलिंग पूजा के वक्त कमल पुष्प में मौजूद भ्रमर ने अपनी गुंजन से कुबेर की पूजा में व्याधि पहुंचाई। बासी कमल फूल पुष्प का रहस्य जानते ही कुबेर कुपित हो गए और उन्होंने यक्ष को एक वर्ष की अवधि तक पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। फलतः वे गौरवहीन होकर एक वर्ष तक पत्नी वियोग के दुखद श्राप की अवधि रामगिरी पर्वत पर पूरी कर रहे हैं। आषाढ़ माह की प्रथम वर्षा कृषिकाय यक्ष की पीड़ा बढ़ा देती है। मेघ से आच्छादित अंबर को देख उनकी पत्नी वियोग की पीड़ा तीव्र होती है। प्रथम वर्षा को प्राप्त पृथ्वी के नैसर्गिक सौंदर्य को देख यक्ष मेघ का स्वागत करते हैं। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सर्वचंदन चर्चिता नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वर मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिता तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी गणाथ सूर्याय कंठा वृषध्वजा तस्मै शिकाराय नमः। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमेन्द्र देवाचित शेखरा चंद्रार्क वैश्वानरलो नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाशिराय विलाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय तस्मै thank you।
दादा दादा दादी दीदी दीदी दी नाना नाना ना दात रखा देखे टकाता गदी गन धान धान धा दात रखा देखे टकाता गदी गन धान धान धा दात रखा देखे टकाता गदी गन धान धान धा मेघ से कहते हैं, हे मेघ, तुम देवराज इंद्र की इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले प्रधान पुरुष तथा पीड़ितों के रक्षक हो। गुणवान व्यक्ति के समक्ष याचक की याचना कभी विफल नहीं होती। अतः मैं एक याचक की भांति तुमसे याचना करता हूँ कि तुम मेरा संदेश यक्षों की नगरी अलकापुरी में निवास करती मेरी पत्नी तक पहुँचाओ।